हेलो बच्चों, हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, आंकड़ों का संकलन यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसमें हमने दो तरीके किए थे, सैंपल और सेंसस और सैंपल। तो अब सैंपल लेने के क्या तरीके हैं, सैंपल या प्रतिदर्श लेने की विधियां। इसमें पहला है रैंडम सैंपलिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श या रैंडम सैंपलिंग क्या है, ये एक सैंपलिंग का, सैंपल लेने का, प्रतिदर्श लेने का ऐसा तरीका है जिसमें सभी इकाइयों के सैंपल में आने की समान संभावना होती है। किसी इकाई से कोई पक्षपात नहीं होता, सबके जीतने की, सबके सैंपल में आने की समान संभावना होती है। इसके दो तरीके हैं, पहला है लॉटरी और दूसरा है रैंडम नंबर टेबल। लॉटरी मेथड में क्या होता है, लॉटरी तो पता होगा आपको, ये इस तरीके का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारी जनसंख्या छोटी होती है, कम होती है। मान लो हमारे पास 20 हैं व्यक्ति, तो हम क्या करते हैं, 20 के 20 व्यक्तियों का नाम चिट पर रख लिखकर और एक किसी डब्बे में, किसी बॉक्स में डाल देते हैं और चुनाव करते हैं, जिसका नाम निकला वो सैंपल में शामिल किया जाएगा। तो सभी के नाम की चिट्ठी डाली थी हमने बॉक्स में या कटोरे में, तो क्या होगा, तो हमने लॉटरी तरीके से एक आंख बंद करके चिट्ठी निकाल ली, जिसका नाम निकला वो शामिल होगा। तो 20 के 20 के पास समान संभावना थी, किसी से कोई पक्षपात नहीं किया गया था, तो ये होता है हमारा रैंडम सैंपलिंग। दूसरा है रैंडम टेबल्स, तालिका। रैंडम तालिका क्या होती है, बहुत से जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि सबसे अधिक टिप्पिट तालिका इस्तेमाल की जाती है, टिप्पिट टेबल। उस टेबल में क्या होता है, चार अंकों की टेबल होती है, चार संख्याओं की तालिका होती है, और जितनी भी हमारे जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, हम उसको क्रमबद्ध लिख लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से क्रमबद्ध लिख लेते हैं। और उसके बाद इन टेबल्स और इन तालिकाओं की मदद से हम सैंपल का चुनाव करते हैं। तो दोनों तरीकों से सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में शामिल होने की, सैंपल में शामिल होने की समान संभावना होती है। अब इस तरीके का इस्तेमाल के फायदा क्या होता है, कि किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता, सभी इकाइयों के सैंपल में आने की समान संभावना होती है, शुद्धता होती है, यानी कि किसी तरीके की कोई गलती, कोई भेदभाव नहीं होता, और एक आसान तरीका है सैंपल लेने का। परंतु इसमें कठिनाइयां क्या है, अब लॉटरी मेथड में हमें सभी का नाम लिखना है, लेकिन अगर हमारे पास 50,000, 1,00,000, 5,00,000 लोग हैं, तो क्या हम 5,00,000 पर्चियां बनाते रहेंगे, नहीं, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो अगर क्या हो कि ऐसा क्या हो कि अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तो भी हमें इसका इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उनके बिना हम रिसर्च कर ही नहीं सकते, उनको शामिल करना जरूरी होता है, तो उस समय पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते रैंडम सैंपलिंग का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया में गाड़ियों की बात करनी है, हम गाड़ियों के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो टाटा या मारुति को शामिल किए बिना वो रिसर्च पूरी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उन्हीं की गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिकती हैं, तो उसको शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस समय पे हम रैंडम का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लॉटरी निकालेंगे, हो सकता है उनका नाम आए ही नहीं, तो हमारी रिसर्च सही नहीं होगी। नेक्स्ट है परपोसिव सैंपलिंग। परपोसिव सैंपलिंग होती है सहविचार सैंपलिंग। सहविचार सैंपलिंग क्या होती है कि इसमें जो रिसर्चर होता है, जो अनुसंधान करता होता है, वो अपना विचार देखता है, अपना पर्पस देखता है, अपना उद्देश्य देखता है, और उसी के अनुसार जो उसको ठीक लगते हैं वो सैंपल अपने आप में, अपने उसमें शामिल कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था गाड़ियों का, तो वो अपने आप मारुति को शामिल कर लेगा सैंपल में। अगर हम लोहा इस्पात की बात कर रहे हैं, तो टाटा स्टील के बिना वो पूरा नहीं हो सकता, तो जो अनुसंधान करता है उसके विचार में जो इकाइयां सही होती हैं, जो उसके पर्पस यानी कि उसके उद्देश्य को पूरा करती हैं, वो उससे संबंधित इकाइयों को सैंपल में शामिल कर लेता है, जिससे कि
उसका पर्पज, उसका उद्देश्य पूरा हो जाए और रिसर्च सही तरीके से हो पाए। तो इसके क्या है कि ये एक आसान विधि है, खर्चा भी कम है और जल्दी हो जाता है इससे काम। लेकिन इसमें क्या होता है, पक्षपात होता है। जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी चलाता है, जो उसको अच्छा लगेगा उसी को शामिल करेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उसे वो अपने सैंपल में शामिल नहीं करेगा। वो केवल अपने विचार, अपनी सोच के हिसाब से ही सैंपल डिसाइड करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है बेटा, स्तरित प्रतिदर्श। स्तरित प्रतिदर्श क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी जनसंख्या होती है उसको उसकी विशेषताओं के अनुसार छोटे छोटे स्ट्रेटा, स्ट्रेटा होते हैं मतलब हिस्से, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेता है। जैसे कि अगर हम 12वीं क्लास के बच्चों की या 11वीं क्लास के बच्चों की स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा, आर्ट्स भी होगी बच्चों पास, कॉमर्स भी होगी, मेडिकल भी होगी और नॉन मेडिकल भी होगी। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को उनके उद्देश्य के अनुसार ये चार स्ट्रेटा में बांट लिया, आर्ट्स वाले बच्चे अलग, कॉमर्स वाले अलग, मेडिकल वाले अलग और नॉन मेडिकल वाले अलग। तो ये छोटे छोटे हिस्सों को बोलते हैं स्ट्रेटा। हम हमारी सारी पॉपुलेशन, सारी जनसंख्या को छोटे छोटे स्ट्रेटा में बांट लेते हैं और इन स्ट्रेटा में से, इन छोटे हिस्सों में से हम सैंपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 500 व्यक्ति हैं, 500 बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें इन 500 में से 50 बच्चों का सैंपल चाहिए, यानी कि इसका 10% चाहिए, 50 सैंपल चाहिए। अब जितने जितने बच्चे जिसमें हैं, आर्ट्स में मान लो 100 बच्चे हैं, कॉमर्स में भी 100 हैं, इसमें 150 हैं और कितने बच्चे इसमें भी 150, ठीक है। तो हमें सैंपल 500 का 10% सैंपल चाहिए ना, हम सबका 10% लेंगे। आर्ट्स का 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10, कॉमर्स का 100% का 10 कितना हो जाएगा, 10, मेडिकल का 15 और इसका 10% कितना हो जाएगा, 150 का 10% 15, तो कितने आ गए टोटल 50। तो यही हमें सैंपल चाहिए था। हम क्या करते हैं, जो हमारी टोटल जनसंख्या है उसको उसकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग स्ट्रेटा में बांट लेते हैं। हर एक स्ट्रेटा में एक जैसे व्यक्ति होते हैं और अलग अलग स्ट्रेटा में अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अब एक स्ट्रेटा यानी कि आर्ट्स का हिस्सा, आर्ट्स में क्या होंगे, केवल आर्ट्स वाले ही होंगे, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे अलग हैं। एक एक स्ट्रेटा में एक जैसी विशेषताओं वाले बच्चे होंगे और अलग अलग में अलग अलग विशेषताएं होंगी। तो हमें टोटल जनसंख्या का जितने प्रतिशत सैंपल चाहिए, टोटल 500 का हमें कितना, 50, यानी कि 10% सैंपल चाहिए। तो हमने 500 को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया और सभी हिस्से में से 10-10% ले लिया, तो टोटल हमारा 50 का सैंपल आ गया जो कि हमें चाहिए था। ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। हम क्या करते हैं, सभी पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रेटा के हिसाब से सैंपल लेते हैं। अब ये क्या है कि इसमें हम सभी प्रकार की इकाइयों को शामिल कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। आर्ट्स के बच्चे भी आएंगे, कॉमर्स के भी आएंगे, मेडिकल के भी आएंगे और नॉन मेडिकल के भी आएंगे। अगर हम लॉटरी मेथड का इस्तेमाल करते, 500 में से 50 बच्चों की लॉटरी निकालते, तो हो सकता है कि उसमें आर्ट्स का एक भी बच्चा नहीं होता या उसमें मेडिकल का एक भी बच्चा नहीं होता। तो इसमें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में सभी स्तर के, सभी प्रकार के व्यक्तियों के सैंपल आ जाते हैं। दूसरा कि ये एक ऐसी विधि है जिसका विश्व स्तर पर अधिकतर जो रिसर्च है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी कठिनाई क्या है कि एक तो अलग अलग स्ट्रेटा में बांटना मुश्किल हो जाता है, दूसरा अगर सही प्रकार से नहीं बांटा गया तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब अगला है बेटा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है, इसमें हम सिस्टम से चलते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से चलते हैं, एक व्यवस्था के हिसाब से हम अपना सैंपल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पहला नंबर रैंडमली लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 1 से 50 तक बच्चों के रोल नंबर हैं, हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, आंख बंद करके या लॉटरी मेथड से एक पर्ची निकाल लेंगे,
हमने आंख बंद करके हाथ रखा या लॉटरी से एक पर्ची निकाली, उस पर्ची पे नंबर आया 5, ठीक है। तो हम रोल नंबर 5 को शामिल करेंगे और हर 5वीं इकाई को, 5वीं को, 10वीं को, 15, 20, रोल नंबर 25, रोल नंबर 30, रोल नंबर 35, मतलब हम हर 5वीं इकाई को शामिल करते जाएंगे। ये होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, एक व्यवस्था, एक सिस्टम से हम सैंपल बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका उसमें 4 आया तो हम हरेक चौथी इकाई को रोल नंबर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, इस तरीके से हम इन्हें रोल नंबर्स को अपने सैंपल में शामिल करते जाएंगे। हम एक सिस्टम से, एक तरीके से भी सैंपल का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होती है बेटा? कोटा सैंपलिंग वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एक फर्क है। स्ट्रेटिफाइड में हमने क्या किया था, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल अलग अलग स्ट्रेटा में बांट लिया था। कोटा में भी हम ऐसे करेंगे, सभी को अलग अलग स्ट्रेटा में बांट लेंगे, सभी को अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में हमने सभी में से समान लिया था, आर्ट्स में से भी 10% लिए, कॉमर्स में से भी 10%, मेडिकल में से भी 10% और नॉन मेडिकल में से भी 10%। लेकिन कोटा में ऐसा नहीं होता। कोटा में हम हर एक तरह के सैंपल का एक कोटा निर्धारित कर देते हैं कि किस में से कितना लेना है। जैसे कि आपने देखा होगा एडमिशन के लिए या नौकरी के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है। जनरल कैटेगरी का अलग कोटा है, एससी कैटेगरी का अलग है, एसटी का अलग है, बीसी कैटेगरी का अलग है, होते हैं ना ऐसे कोटे। तो ये होता है कोटा सैंपलिंग कि हमें किस में से कितना, मान लो इसमें से 10%, इसमें से 8%, तो हमें किस में से कितना प्रतिशत लेना है, हम हरेक का अलग अलग कोटा निर्धारित करते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी सभी प्रकार का सैंपल शामिल हो जाता है, परंतु ये एक आसान विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोटा निर्धारित करने में कि किसको कितना कोटा दिया जाए, ये निर्धारित करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैंपलिंग, सुविधा अनुसार प्रतिदर्श। सुविधा अनुसार क्या होता है, इसमें जो एक अनुसंधान करता होता है वो जो भी सैंपल लेता है अपनी सुविधा के अनुसार लेता है, उसको जहां आसान लगता है उन व्यक्तियों को शामिल कर लेता है। जैसे कि अगर आपको मान लो शॉप्स के सैंपल इकट्ठे करने हैं, दुकानों के सैंपल इकट्ठे करने हैं, आप दूर जाने की बजाय आपके घर के आसपास जो दुकानें हैं उन्हीं से जानकारी ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहां जाना आसान है। तो इस प्रकार की सैंपलिंग को बोलते हैं कन्वीनियंट सैंपलिंग या सुविधा अनुसार प्रतिदर्श। आप जो भी लेते हो अपनी सुविधा के अनुसार ले रहे हो, जो आपको आसानी से मिल रहा है। आपको मान लो टीचर्स का डेटा इकट्ठा करना है तो आप दूर जाने की बजाय अपने गांव, अपने शहर के टीचर से ही जानकारी ले लेते हो। क्यों? क्योंकि उनसे मिलना, उन तक पहुंचना आपके लिए आसान है। तो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये थे सैंपलिंग के कुछ तरीके, कुछ विधियां। आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब ये जो हम सैंपल लेते हैं इसमें कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं और हमें उन गलतियों को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये गलतियां अधिक हो गई तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इन गलतियों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।